एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूँ इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूँ। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया, भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही उनको, जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे, उसको उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के कारण से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमीय एक अवसर, ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की जमीन को जाता है, यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है, हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिसके माध्यम से उनको, उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है, मोरलोवर हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आइए, एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य, और अब हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात होगी? अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से मेरी बात अभी हुई है, नहीं पुनिया अपने थे ना, उनके पिताजी से बात हुई है, हाँ, तो इनके पिताजी से मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा, परिवार के लोगों को बधाई दूंगा।